नमस्कार, वेब दुनिया में आपका स्वागत है। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबरों पर। शराब कारोबारी विजय माल्या को लंदन में गिरफ्तारी के बाद मिली जमानत। माल्या पर भारत की 17 बैंकों के 9000 करोड़ रुपए बकाया हैं। दिल्ली निगम चुनाव से पहले कांग्रेस को बड़ा झटका। पूर्व अध्यक्ष अरविंदर सिंह लवली और अमित मलिक भाजपा में शामिल। मौसम विभाग का पूर्वानुमान, इस साल सामान्य रहेगा मानसून। राजद मुखिया लालू यादव अब जमीन घोटाले में फंसे। सुशील मोदी ने लगाया बड़ा आरोप। अहमदाबाद के वस्त्रापुर क्षेत्र में 2.5 करोड़ रुपए के पुराने नोटों के साथ 11 लोग गिरफ्तार। आपके निष्कासित नेता संदीप कुमार के चुनाव प्रचार करने पर भाजपा उम्मीदवार सविता खत्री पार्टी से बर्खास्त। मणिपुर में भी कांग्रेस को झटका। विधायक गिनसुआन हाउ भाजपा में शामिल। वडोदरा के मंदलपुर क्षेत्र में आईपीएल मैच पर सट्टेबाजी के आरोप में 3 लोग गिरफ्तार। झारखंड के दुमका जिले में सड़क हादसे में एक ही परिवार के 4 सदस्यों की मौत, 6 घायल। ईवीएम पर आम आदमी पार्टी की दिल्ली उच्च न्यायालय में याचिका। निगम चुनाव में वीवीपैट का हो इस्तेमाल। यूपी में योगी सरकार ने 7 कलेक्टरों समेत 41 आईएएस अधिकारियों का किया तबादला। भारतीय कंपनियों का देश में निवेश 110% बढ़ा, आरबीआई ने जारी किए आंकड़े। कुलभूषण जाधव मामले में पाकिस्तानी सेना अड़ी नहीं दी जाएगी, राजनीतिक पहुंच। ऑस्ट्रेलिया ने खत्म किया 457 वीजा कार्यक्रम, प्रभावित होंगे भारतीय मूल के कामगार। उत्तर कोरिया की धमकी, हम हर सप्ताह करेंगे मिसाइल परीक्षण। ये थी आज की खास खबरें। और ज्यादा जानकारी के लिए लॉगिन कीजिए हमारी वेबसाइट www.webdunia.com। नमस्कार।